हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बायो सेवर्ट लॉ। सो व्हाट इज बायो सेवर्ट लॉ? बायो सेवर्ट वॉज अ साइंटिस्ट एंड उन्होंने एक लॉ दिया था। उनके लॉ के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। कोई चार्ज है तो चार्ज के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड जब चार्ज आपका मूव करता है देन फ्लो ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस करंट, करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब चार्ज आपका मूव करता है, चार्ज में मोशन होता है, तो आपका क्या होता है? करंट फ्लो करता है। एंड जब करंट फ्लो होता है तो करंट के अराउंड आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो व्हेन करंट विल फ्लो दे विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड को किससे इंडिकेट करते हैं? बी से इंडिकेट करते हैं। तो अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है? वायर है, देख लीजिए वायर है, वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो ये जो वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा और उसकी डिपेंडेंसी कितने किस पे होगी, इसके लिए बायो सेवर्ट ने एक लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dl, कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर है, वायर में मान लीजिए वायर का लेंथ l है, लेकिन हम इसका एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करें dl, तो वायर के स्मॉल पार्ट dl के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करें dB। dB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl, ठीक है? तो बस छोटा सा एलिमेंट dl है या dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड dB है। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस डी एल एट एनी पॉइंट पी, हमने इस डी एल से डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मान लीजिए ड्यू टू एन एलिमेंट डी एल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डी बी, ठीक है? डी एल एलिमेंट के थ्रू पी पर आपका मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस डी बी विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू आई। यहाँ पे देखिए चार टर्म्स हैं, वायर है, वायर का लेंथ कितना है? वायर का लेंथ एल है और उसका स्मॉल एलिमेंट कितना है? डी एल है, ठीक है? लेंथ ऑफ वायर आप मानिए, वायर है, वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। वायर से आप या फिर जो एलिमेंट आपने डी एल लिया है वहाँ से पॉइंट पी के डिस्टेंस किया आर। एंड आपका एंगल पॉइंट पी एंगल किस एंगल पर? थीटा एंगल पर है एलिमेंट से, जिसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चार टर्म्स हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है वो इन चार टर्म्स पे डिपेंड करेगा। डी बी विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू आई, डी बी विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू डी एल, डी बी विल बी इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट डी एल। से डी बी विल बी इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ आर, एंड डी बी विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू द साइन थीटा, जो एंगल थीटा है इस पर भी डिपेंड करेगा, आई पे भी डिपेंड करेगा डी बी। ये देखिए डी बी हम जो निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल, दिस डी बी विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू आई, डायरेक्टली प्रपोजनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रपोजनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ आर। तो ये चार टर्म्स जो हैं, इन चारों टर्म्स पे डिपेंड करेगा उनकी डिपेंडेंसी किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है? अब ये चारों टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, इट मींस डी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से चारों कंबाइन करके हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, हियर दिस कॉन्स्टेंट विल बी म्यू नॉट बाई फोर पाई। सो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई क्या है? करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, डी एल इज एन एलिमेंट, साइन थीटा आपका पॉइंट पी डी एल एलिमेंट से किस एंगल पर है? थीटा। एंड आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट टू पॉइंट पी। हियर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी मीन्स आपका जैसे कि एक परमिटिविटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने एप्सिलॉन नॉट यूज किया था दैट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई इनटू 10 द पावर माइनस 7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ठीक है? अब देखिए ये वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स कैसे आएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए यूनिट होता है टेस्ला होता है, एसआई यूनिट टेस्ला होता है, सी जैसे यूनिट गॉस होता है, एंड बी का आपका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, डब्ल्यू बी आपका वेबर है।
अभी वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम इसके बाद के टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे वही यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए बी का यूनिट हो जाएगा वेबर, ये आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एल आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, आई आपका एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेबर इंटू मीटर स्क्वायर रहेगा, तो वो वेबर पर मीटर स्क्वायर बी की जब आप यूनिट पुट करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेबर बचेगा। तो आप इसकी वैल्यू पुट करिएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ पे मीटर हो जाएगा, आई के लिए एम्पियर, बी का जो यूनिट पुट करेंगे वो आप वेबर पर मीटर स्क्वायर पुट किया गया है, तो वहां से म्यू नॉट की SI यूनिट आ जाएगा, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ओके, नाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर क्वायर। बायो सेवर्ट की ये दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, इसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो आपको नोट्स में दिया गया है, वो आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेम इसी बेस पर है। तो जो ये मेन टॉपिक है, बोर्ड के क्वेश्चंस भी मेन इसी पे आते हैं, तो हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे। अरे आपके सिलेबस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो सेवर्ट लॉ या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ L। इन तीनों टॉपिक्स में से जो दो एप्लीकेशन से या जो लॉ है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा। तो ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लाइटली नहीं लेना है और इनको समझना है, बहुत ही ईजी है। ये बायो सेवर्ट लॉ किसके लिए है, बायो सेवर्ट लॉ इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट DL, कि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट DL के थ्रू कितना होगा DB, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IdL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एक वायर एंड आपका सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड बी आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ L, की वायर है, ठीक है, वायर का लेंथ L है, वायर का टोटल लेंथ कितना है L है, एंड इसके थ्रू किसी पॉइंट P पर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है थ्रू अ लेंथ ऑफ L, टोटल जो लेंथ है L के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DB, जो स्मॉल एलिमेंट DL के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे, देन हमें टोटल लेंथ L के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DB, टोटल B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB, एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर DB, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IdL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये आपका DB के लिए फॉर्मूला हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हमने पहले बाहर निकाल लिया है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो है हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई 1 बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गया है। लेकिन थीटा और DL हमारा क्या रहा, वैरी हो रहा है। DL वैरी कैसे हो रहा है, DL आपका देखिए 0 to L लेंथ, पूरी लेंथ के लिए जाएगा या, ठीक है ना, और एंगल भी चेंज हो सकता है, एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 या फिर एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एक ये L और एक ये थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, ये दोनों वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा DL है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है, थीटा भी है और L भी है, तो दो वेरिएबल्स का एक साथ इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होगा, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो दोनों वेरिएबल को हम दोनों को आपस में रिलेट करके एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा DL है, तो यहाँ पे अगर इस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा DL है तो साइन थीटा DL के प्लेस पर ये टर्म आपका डी थीटा के टर्म में होना चाहिए। मीन्स DL को हमें डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। DL को डी थीटा के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये A है, ठीक है, ये R है, और ये मान लीजिए कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L है, वायर की लेंथ कितनी है आपकी, L है, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू A/R होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा इक्वल टू A/R, जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके रूल होते हैं, इफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू A/R देन कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू R/A, कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू R/A, ओके। देन आपका कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट पाई माइनस थीटा होता है, इट विल बी इक्वल टू माइनस L/A, ठीक है। ये L/A क्यों होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इट।
एंड आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर डी थीटा। आपका कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन इक्वल टू इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल बी माइनस डी एल बाई ए। ओके, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट कर दिया गया आर बाई ए, या आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको आपको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो कन्वर्ट करें आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे वैल्यूज को कन्वर्ट किया है एंड आपका फिर यहाँ से आपका देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दिया गया है, इट विल बी आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी थीटा विल बी इक्वल टू एल एल डी एल बाई ए, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, देन डी एल विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए डी थीटा। तो यहाँ से ये डी एल की वैल्यू आ गई, डी एल इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए डी थीटा, और डी एल की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, डी एल के प्लेस पर यहाँ पुट कर दिया है आर स्क्वायर बाई ए डी थीटा। ओके, नाउ ये आर स्क्वायर बाई ए ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन टू थीटा थीटा टू, वैल्यू वेरी करे एंगल वेरी करेगा, सो वी विल टेक लिमिट इन थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हम यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, एंड माइनस कॉस थीटा में हम जब लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे थीटा वन से थीटा टू, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा टू एंड माइनस माइनस डबल माइनस आएगा कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा वन की वैल्यू प्लस में रहेगी एंड कॉस थीटा टू की वैल्यू माइनस में रहेगी। फिर उसको हम इस तरीके से रीअरेंज कर देंगे, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे, इट विल बी म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ओके, यहाँ पे डी एल की वैल्यू पुट कर दिया गया है आर स्क्वायर बाई ए डी थीटा, और उसके बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है, और यहाँ पे हमने लिमिट पुट करा है तो हमें बिल मिल गया है फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ एल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ एल। एंड अगर हम यही इसमें केस लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ थीटा वन विल बी जीरो, देन थीटा टू विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा वन, इट विल बी इक्वल टू पाई। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू इन दिस फॉर्मूला, देन बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस थीटा वन की वैल्यू पुट कर दिया जीरो, देन कॉस जीरो विल बी इक्वल टू वन माइनस थीटा टू की वैल्यू पुट कर दिया पाई, देन कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू टू, और यहाँ पे टू एंड फोर आपस में क्या हो जाएंगे, टू टू जा फोर, आपने यहाँ फोर को कट कर दिया है, देन वी विल गेट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ एल, दिस इज फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लेंथ, बिकॉज इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ थीटा वन विल बी इक्वल टू जीरो एंड थीटा टू विल बी इक्वल टू पाई। नाउ सेम प्रोसेस वी विल फॉलो फॉर अ सर्कुलर क्वाइल, सर्कुलर क्वाइल है इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो बी टोटल दिस इज डी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट डी एल, तो टोटल सर्कुलर क्वाइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो जब आप देखिए फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पहले आपको डी बी की ही वैल्यू पुट करनी है, सो बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर क्वाइल केस में क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको पता है कि हर एक पॉइंट से एंगल कितना बनता है 90 डिग्री होगा, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, एंड इन दिस केस आर विल बी इक्वल टू ए, आर विल बी इक्वल टू ए, तो आर की जगह पर हमने प्लेस कर दिया वैल्यू ए, देन कॉन्स्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लीजिए, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए स्क्वायर, आई बाई ए स्क्वायर, देखिए एयर को अभी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, आपका ये सर्किल है, ये सर्कुलर क्वाइल है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, एल का मतलब क्या है, ये टोटल जो इसका सर्कमफेरेंस है वही तो इसका टोटल आपका एल होगा,
देन इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मीनिंग क्या है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू एल होता है कि नहीं होता है, एल मीन्स टोटल लेंथ, एंड सर्कल के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, एंड इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा सर्कल के लिए, टू पाई ए। फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए, टू पाई आर होता है, यहाँ पे आर की वैल्यू ए है, सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी इक्वल टू टू पाई ए। देन आपकी जो वैल्यूज कट रही कट कर दीजिए, फाइनली वी विल गेट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू ए, म्यू नॉट आई बाई टू ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर क्वाइल एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू ए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड आपका इसके बाद सेमी सर्कुलर केस लेंगे, सेमी सर्कल केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, हाफ सर्किल का आपका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा पाई ए, टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है टू पाई ए इन केस ऑफ हेमिस्फेयर, दिस विल बी या सेमी सर्कुलर इट विल बी इक्वल टू पाई ए। देन दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे टू पाई ए की जगह पे वहाँ पे वैल्यू पाई ए करेंगे, तो उसके लिए आपका कुछ डिफरेंट फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो आपको नोट्स में कराया गया है, वो अब आप खुद से रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसके एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, कि सेंटर पे नहीं है, सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करने के लिए है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपको नॉलेज के लिए मैंने आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया है, कॉम्पिटिशन लेवल पे आ सकता है, इसलिए उसको पढ़ना है और समझना है, बाकी आपके सिलेबस में यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एम्पियर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए आपके इस चैप्टर में दो लॉज हैं, फर्स्ट है बायो सेवर्ट लॉ एंड सेकेंड है आपका एम्पियर लॉ। पहले बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करके हमने दो केस देखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, ये दो केसेस हमारा बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व होंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ के बेस पर सोलेनॉइड एंड टोराइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।